बात अगर हो 90 के दशक के पॉपुलर विलन्स की, तो शिवा रिंदानी का चेहरा कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक बहुत ही भयानक खलनायक वाली भूमिका फिल्मों में निभाई और 80 और 90 के दशक में बेशुमार फिल्मों में काम किया और ये फिल्मों में अलग अलग रूप और मॉडर्न लुक वाली विलन के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन आज शिवा रिंदानी कहाँ हैं, क्या करते हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज हम 90 के दशक के इस खूंखार खलनायक के बारे में इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, आपने शिवा रिंदानी को फिल्म गोपी किशन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी या घाता की हम फिल्म में कैप्टन जेडक के किरदार में देखा होगा या होंगी प्यार की जीत जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। हम मर्दों से पंजा लड़ा, इसके तो भी दूध के दांत भी नहीं निकले। बाय द वे, आई एम कैप्टन जेडक। जब से फोन से निकाले गए हैं, दोस्त लोग प्यार से मुझे अटैक कहते हैं, कैप्टन अटैक। शिवा रिंदानी का जन्म हुआ था गुजरात के राजकोट जिले में। यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और यहीं से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की। वैसे इनका जन्म का नाम है मुकेश रिंदानी, बाद में उन्होंने अपना फिल्मी नाम शिवा रिंदानी रख दिया। दरअसल उनका नाम बदलने के पीछे एक कहानी है। ये किस्सा जुड़ा है 1985 की फिल्म मेरा जवाब से। बात दरअसल यह है कि जब फिल्म मेरा जवाब की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में ये काम कर रहे थे और इस फिल्म के मेन हीरो थे जैकी दादा यानी जैकी श्रॉफ और मुकेश रिंदानी इस फिल्म में बंटी नाम के विलन की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जैकी श्रॉफ इनको शूटिंग के दौरान शिवा के नाम से पुकारते और जिस वजह से इनकी पहचान बॉलीवुड में शिवा के नाम से बन गई और सभी ने उन्हें शिवा के नाम से ही जाना और यहीं से उन्होंने अपना नाम शिवा कर दिया। बहरहाल आते हैं अपनी कहानी पे कि कैसे शिवा रिंदानी फिल्मों में आए। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये मुंबई आ गए और यहाँ आकर स्ट्रगल करते रहे। उसके बाद उन्हें इनकी करियर की पहली फिल्म मिली 1981 की फिल्म चश्मे बद्दूर। इस फिल्म में ये एक बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए थे। इसके बाद ये 1983 की फिल्म पुकार के साथ साथ 1984 की फिल्म मेरी अदालत और 1984 की फिल्म घर एक मंदिर में बहुत ही छोटे छोटे रोल करते नजर आए। इसके बाद वो फिल्म आई जहां से इनका चेहरा दर्शकों के सामने आया और ये बहुत ही पॉपुलर हुए। ये फिल्म थी मेरा जवाब, जो 1985 में आई थी। इस फिल्म में इनके साथ थे लीड रोल में जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शिशाद्री और विलन के किरदार में थे शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और शिवा रिंदानी। शिवा रिंदानी ने इस फिल्म में गैंगस्टर बंटी का किरदार निभाया था, जिसके बाद उन्हें इस फिल्म से बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी। ये लास्ट लास्ट तरबूज कौन है? शक्ल से तो ये अपना बंटी लगता है। इस फिल्म के बाद शिवा रिंदानी ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में की और ये फिल्में रही दादागिरी, डांस डांस, खूनी महल, हम फरिश्ते नहीं, ती कयामत से कयामत तक, कमांडो, 20 साल बाद, देशवासी, इसी का नाम जिंदगी, जागृति, जमाने से क्या डरना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गोपी किशन, विजेता, जान, दरार, कृष्णा, घातक, होंगी प्यार की जीत, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दीवाना मस्ताना फिल्में शामिल है। उन्होंने लगभग 234 के आसपास फिल्मों में काम किया। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके लिए ये हकदार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवा रिंदानी ने सिर्फ फिल्मों में एक विलन के तौर पर ही काम नहीं किया बल्कि कुछ गिने चुनी फिल्मों में ये हीरो के तौर पर भी काम कर चुके हैं। एक एक्टर होने के साथ साथ ये एक डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और राइटर भी है। उन्होंने सन 2013 में रक्त नाम से एक फिल्म बनाई थी और हाल ही में 2019 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का नाम था कैंडी टीव्स द क्राइम स्टोरी। उस दिन की बेइज्जती भूल गए क्या जो फेरी यहाँ टपक पड़े? मिश्रा, बहुत शाना बनता रे तू, जानता नहीं शरद काना सबसे शाना, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जरा नजर घुमा के देख चारों तरफ। इसी के साथ साथ ये कई टेलीविजन सीरियल में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने जी टीवी पे आने वाली श्याम रामसे के शो द जी हीरो शो शीश कोई है में काम किया है।
इसके अलावा जी टीवी के मशहूर शो टीफ ऑफ बगदाद, कलर्स टीवी पे आने वाली शो कवच काली शक्तियों से वगैरह में काम किया है और इसी के साथ साथ इन्होंने कई तमिल सीरियल में भी काम किया। दोस्तों आज हमने बात की एक्टर शिवा रिंदानी के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, ऐसे ही किस्से और कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड टॉय।